पाकिस्तानी लड़की से बातचीत स्टार्ट हो गई थी। मैं राजस्थान पुलिस का बहुत मुझे CISF के जवानों ने और अपने राजस्थान पुलिस ने रोक लिया। सीमा और अंजू की कहानी आपने सुन ली, लेकिन सरहद पार बैठे पाकिस्तानी साजिश का एक और खुलासा आज आप मेरे साथ देखिए। कैसे पाकिस्तान से भारत की लड़कियों को टारगेट करने का प्लान तैयार किया जा रहा है, कैसे लड़कियों का ब्रेन वॉश कर पाकिस्तान बुलाया जा रहा है, एक एक कड़ी सबूत के साथ आज आपको बताऊंगा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मैं हूं ललित वर्मा। ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया को पाकिस्तान कैसे हथियार बना रहा है, आज बेनकाब पूरा पाकिस्तान होगा। शुक्रवार को जब एयरपोर्ट पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, सुरक्षा के गार्ड देश के रक्षा मंत्री को रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे, उस वक्त एक बुर्का पहन के आई लड़की जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। इस लड़की के पास न वीजा था न ही पासपोर्ट था, लेकिन ये लड़की पाकिस्तान जाना चाहती थी। पाकिस्तान जाने का प्लान किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठे हुए असलम ने बनाया था, और नाबालिग लड़की बिना सोचे समझे एयरपोर्ट पर पहुंच गई और पाकिस्तान जाने का टिकट मांगने लगी। पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा तो उस समय पुलिस और एयरपोर्ट पर मौजूद हर किसी के होश उड़ गए। किस तरीके से एयरपोर्ट पर जो लड़की गजल के नाम से पकड़ी गई, आधे घंटे में ही पता लग गया कि उसका ब्रेन वॉश किया गया था, उसे मजबूर किया गया था कि झूठ बोले और पाकिस्तान आ जाए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि एक साल पहले असलम लाहौरी नाम के शख्स से सोशल मीडिया पर इस नाबालिग लड़की की दोस्ती हुई है, उसके बाद सरहद पार वाली साजिश ने उसे फंसाया गया और कहा गया कि पाकिस्तान आ जाओ। पाकिस्तानी लड़की से बातचीत स्टार्ट हो गई थी। मैं राजस्थान पुलिस का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जयपुर एयरपोर्ट पे उसको बुला कि क्या मतलब कि मेरे CISF के जवानों ने और अपने राजस्थान पुलिस ने रोक लिया, और बहुत बहुत धन्यवाद उनका सर, लेकिन मेरे राजस्थान पुलिस वाले जवानों ने रोक लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस चैट को देखिए, कैसे असलम लाहौरी लड़की को समझा रहा है कि पाकिस्तान आना है। एक फोन कॉल पर समझाया गया कि पाकिस्तान आना है तो बुर्का खरीदना होगा, इसलिए लड़की ने पहले बाजार से बुर्का खरीदा और वो एयरपोर्ट पर पहुंच गई। आपको बता दें कि इस लड़की के जेब में महज 1000 रुपए थे, 500 रुपए का उसने बुर्का खरीदा और उसके बाद वो एयरपोर्ट पर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर ना सिर्फ उसके पास वीजा और पासपोर्ट था, इसके साथ ही कोई कागज भी नहीं थे। इस लड़की को ये पता नहीं था कि बिना किसी फॉर्मेलिटी और कागजों के वह पाकिस्तान नहीं जा सकती, क्योंकि वो पिछले 15 दिनों से जो कहानियां सुन रही है, जो खबरें देख रही है, वह अंजू और सीमा हैदर की है। क्योंकि सीमा हैदर बिना किसी रोक टोक के पाकिस्तान से भारत पहुंच गई और अंजू बिना किसी रोक टोक से राजस्थान के अलवर के भिवाड़ी से पाकिस्तान पहुंच गई। तो ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि क्या सीमा हैदर जैसी एक पाकिस्तान की महिला भारत बिना किसी रोक टोक के आ जाती है, या फिर राजस्थान की अंजू पाकिस्तान पहुंच जाती है। इन दोनों ही मामलों में इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जो सरहद के पार सोशल मीडिया ब्रिगेड खड़ी हुई है, जो भारत में महिलाओं का और बालिकाओं का ब्रेन वॉश कर रही है, वो क्या एक छोटे स्तर पर है? उसका एक उदाहरण सिर्फ ये नाबालिग लड़की है। बताया ये भी जा रहा है कि असलम के टच में कई और महिलाएं और लड़कियां भी थी जिनसे वो चैट पर बात कर रहा है और पाकिस्तान बुला रहा है। ऐसे में सवाल तो कई बड़े खड़े होते हैं, लेकिन इन दो सवालों का जवाब द नगरी अभी भी जानना चाहती है कि क्या पाकिस्तान से भारत आना और भारत से पाकिस्तान जाना इतना आसान है?